हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग 5.3 को क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। कितने से? क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है बाकी सवालों की अपेक्षा। अब एक जैसे होंगे तो फिर 20 सवाल देने का कुछ मतलब भी नहीं निकलता गणित वाले को, है कि नहीं? तो कुछ कुछ परिवर्तन हर सवाल में अब आपको देखने को मिलेगा, पर डोंट वरी, आई एम हेयर। ओके, तो आइए हम आपकी समस्या का समाधान लेकर चलते हैं। पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है, जैसे मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, बार बार क्या समझेंगे? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई एपी है, क्या है, मान लीजिए एपी, हम कुछ भी मान लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी ये एपी है, आप पढ़ते जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनके बीच में कॉन्स्टेंट डिफरेंस होता है, यानी डिफरेंस बराबर होता है, ये आप समझ पाते होंगे बच्चों। तो कह रहा है कोई एपी आपके पास दी हुई है और उसके जो है 7 टर्म तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 14 हो गए, तो 7 टर्म, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज एग्जांपल। 7 टर्म तक का जब जोड़ते हैं तो इसका SN, S7 ना कहलाएगा, ये SN होता है, सम ऑफ, मतलब इनका जोड़ क्या कहलाता है, SN, पर नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हैं, 7, तो हम SN बराबर, यानी S7 बराबर हमको दिया है 49, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यानी पहले 7 टर्म को अगर जोड़ेंगे तो 49 आएगा, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड दैट 17th टर्म। अब उसी प्रकार के इसके आगे चलते जाओ, 16, 18, 20, 22, 24, 26, तो ऐसे 17 नंबर तक आओ एक से, उनको जब ऐड किया तो A17 हो गया और उसका भी जोड़ यहां दिया हुआ है 289 और इसमें कुछ भी नहीं दिया है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, n टर्म के रूप में इसका आंसर भी निकालना है, n टर्म तक निकालना, n नहीं निकालना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने, बिल्कुल नहीं, n टर्म तक में निकालना है। सवाल अब समझ में आ गया होगा, अब सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, सवाल ही में प्रॉब्लम है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों, कि जब भी सवाल आप करने जाओ तो जो आपको दिया रहता है उसी से सॉल्यूशन लाना है, क्योंकि ये प्री मेडिटेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप अभी कोई इंजीनियरिंग या स्पेस क्राफ्ट में नहीं आ रहे हैं कि अपने से चीजों को सल्यूट करें, अपने से उसको सरल बनाएं, अपने से फॉर्मूला लगा, ये पहले से सल्यूटेड मैथ होती है जो बच्चों को समझनी पड़ती है। तो सवाल आप समझ गए हैं, अब इसका सल्यूशन निकालेंगे, यानी जो हमको दिया है उसी सवाल से हम उसका जवाब खोज लेंगे। इतना टैलेंट है हमारे अंदर कि हम इसी सवाल से जवाब खोज लेंगे। तो लेट्स बिगिन द आंसर एंड फाइंड द आंसर। तो यहां पे आप सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो जो हमको दिया है, इधर देखो, खूब मजा लो यार, इंजॉय, इतनी बढ़िया चीज है। हमें क्या दी है, S7 दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा, 7वां टर्म का जोड़ दिया है 49, जी बिल्कुल दिया है। इधर S17 इसको कितना दिया है, 29, और S17 इसको 289 हमारे पास दिया हुआ है। इसी से देखिए क्या करेंगे हम लोग, और आप भी इन्वॉल्व रहा करिए सवाल में, ये मत माना करो कि मास्टर साहब से सब बनी, भगवान थोड़ा नाम, हम सब मिल के सवाल को सॉल्व करेंगे, कुछ आप बताएंगे कुछ हम आपको बताएंगे, है कि नहीं? Yes. गुरु भी सामने करेंगे, नहीं कि डायरेक्ट टेंशन, बच्चे को जानना चाहिए कि कहां से आप आई है गुरु जी, कहां लहादीन है। तो बच्चा जब इन्वॉल्व हो जाएगा क्लास में, सब जुड़ा करिए शिक्षक के साथ, जैसे गुड़ा कर रहे हैं टीचर तो बताइए 2 2 4 होता है, तो आप ऐसे बोलेंगे तो आप जल्दी सवाल को कनेक्ट कर पाएंगे और दिमाग आपका सब चीज ऑब्जॉर्व कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूछे तो S7 दिया है, यानी सम का जोड़, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि S7 इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस, प्लस नहीं होता, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसमें भी लगा दीजिए क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इधर दिया है वैल्यू, तो हम ये 289 लिख लेते हैं, S17 की जगह ये वैल्यू रख दिए, जैसे यहाँ S7 है ना, इसकी जगह हम 49 रख सकते थे, यही रख दीजिए क्या, 49 हम रख देते, क्योंकि S7 तो पहले लिखा है, फॉर्मूला हमने इधर लगा दिया है, वैल्यू इधर लिख दी है, आप इसको टेंशन मत लीजिएगा, ये इधर लिखा हुआ है, ये वाला इधर लिखा है, इस वाले में ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि तराजू ना है ये, बराबर का चिन्ह इसके बराबर ये, ठीक है, जैसा हमको सटीक लगा हमने लिख दिया, बाकी अभी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बहुत टाइम, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको इधर भेज दीजिए,
तो इसको भेजेंगे तो 49 इंटू क्या हो जाएगा 2, और अभी कुछ नहीं बचा 7, यहां n की जगह क्या रखेंगे 7, क्या रखेंगे 7, 2 इधर हम भेज दिए, अभी इधर लिखे 2a प्लस 7 यहां भी रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास है, इसकी n की वैल्यू 7 है और इसकी n की वैल्यू कितनी है 17, कैसे पता चला ये 7 टर्म और इसका 17 टर्म दिया ही है बेटा, n दोनों की पता है हमको, तो 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत? अब देखो 49 को ऐसे पड़ा रहने दीजिए, 7 को इधर भेजिए तो 49 मल्टीप्लाई 2 बाय 7 इधर आ जाएगा, इस बड़ू क्या बचेगा 2a प्लस 7 में 1 जाएगा कितना आएगा 6, 6 का d में मल्टीप्लाई तो 6, कोई दिक्कत? 7 से बन जा 49 और 7 का मल्टीप्लाई 2 से 7 टू जा 14, 14 इस बड़ू क्या आ गया 2a प्लस 6d, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और छोड़ दीजिए इसको, आराम करो मैं आता हूं तुम्हारे पास, इसके पास आ जाइए, ठीक है बच्चों? n की वैल्यू हमको पता है देखो 17 है तो 17 बटे 2, 2a प्लस इसकी वैल्यू पता है 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 280, कहीं कोई समस्या हो तो हमको बताइएगा, ठीक। अब ये डिवाइड वाली संख्या उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 16, 17 में गया 16 और d में मल्टीप्लाई किया d, अब ये 289 है तो 2 डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई इक्वल टू के आगे साइन चेंज होता है, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड, 17 से काट दीजिए 17 कम 17 और कितना बचा 11 बचा तो 11 इसको दिया तो 119 हो गया, 17 सत्ते 119, आप भाग दे कर भी काट सकते अगर आपको इस तरह काटना नहीं आता है, ठीक, काटना आना चाहिए बच्चों, दसवीं पढ़ते हो लल्ला हरे ना बे जद्दी कराओ ना, 16 डी इज करू 17 दूना 34, यह समीकरण नंबर आपका 2 टनाटन है, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे, और ए और डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है इरेज करना पड़ेगा, तो अब इसके आगे हम यहां से करेंगे एलिमिनेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जोड़ गुणा भाग है कुछ नहीं, जो दिमागी खेल था हमने कर दिया, तो क्या पहला इक्वेशन बच्चों आपका 2a प्लस 6d बराबर, इसको हम इधर अब लिख लिए ताकि दोनों अच्छे लगे, 2a प्लस 6d बराबर 14, और दूसरा समीकरण है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, जी हाँ बिल्कुल हमने लिख दिया है कि नहीं। अब साइन बस चेंज करना रहता है क्योंकि इक्वल नंबर है तो आपको साइन से ही काम चेंज हो जाता है, तो भैया प्लस माइनस बकच दिए हम, अब ये प्लस वाला माइनस हो गया तो 16d माइनस है, 16 में 6 घटा देंगे तो माइनस 10d, और ये 34 माइनस हो गया तो 34 में 14 घटाएंगे तो माइनस 20, माइनस से माइनस घटाना तो आता है ना तुम लोगों को, हाँ डी इज गुड क्या आएगा 20 अपॉन 10 मल्टीप्लाई इधर आ गया तो डिवाइड में 10 टू जा धर्म धर्म का टी इज इक्वल टू 2 आ गया है, डी इज इक्वल टू 2 आ गया है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास d इज इक्वल टू आ गया है तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में आप वैल्यू रख दीजिए तो क्या है आपका फॉर्मूला 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, एक d की वैल्यू आपको रखनी है, a की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे इज इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 6 टू जा 12 इज इक्वल टू डायरेक्ट भेज देते हैं तो 14 है ये 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, a बराबर क्या आएगा 14 में 2 जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड 2 बन जा 2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब हमें nth टर्म निकालना है sn का, क्या निकालना है nth टर्म, अब हम आपको a भी आ गया d भी आ गया, अब हम पटाक से क्या निकालेंगे nth टर्म, बहुत आसान है तो sn का फॉर्मूला लगा देते हैं तो nth टर्म निकालते हैं, sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into 2। अब nth टर्म क्यों बोला है सवाल में, देखो किसी भी एपी की कोई टर्म होती है 17, 20, 100, 1.5 लाख, 2000 कोई नंबर होता है तो हम उसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें बोल रहा है वेरिएबल में n टर्म तक, तो n की कोई वैल्यू हमें नहीं निकाली दी नहीं है तो हम nth टर्म तक देखेंगे क्या वैल्यू आती है सम करने पर, ठीक है nth टर्म,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू तो बच्चों दिया नहीं है तो एन बाई टू रहने दो। अब इसको सॉल्व करिए, टू इंटू ए की वैल्यू दी है एक, प्लस एन की वैल्यू नहीं निकालनी है, है ही नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास टू है, इसी को सॉल्व करते हैं। एन बाई टू, इसको टू बन जा टू प्लस, अब टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर ब्रैकेट के, तो टू एन माइनस टू बन जा टू, टू माइनस प्लस टू कट गया, ठीक है। अब बचा आपके पास क्या, एन बाई टू इन टू टू एन बस बचा है कि नहीं, तो टू से टू कट गया। अब एन का एन में गुणा होता है तो एन स्क्वायर आ जाता है, ये आपका आंसर आ गया, एन एथ टर्म इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए कितना सरल है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब वो इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, तो यानी एपी में आपके कितने टर्म्स है ये तो जान लीजिए, 40, कितने टर्म्स, 40 फर्स्ट टर्म्स। तो फर्स्ट 40 टर्म है जो 6 की टेबल में आते हो, कितने 6 की टेबल में, तो 6 की टेबल में एपी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे एपी बताओ, 6 की टेबल में आएगा तो पहला तो 6 होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपकी एपी बन गई, समझ में आ रहा है। और 40वां टर्म क्या होगा, आखिरी वाला टर्म क्या होगा, 40 में 6 का गुणा कर लो, 40 गुणते 6 को 24 कितना आएगा, 240। यानी आखिरी टर्म भी हमको पता है, पहला टर्म भी पता है, सब कुछ पता हुआ है, ऐसे निकाल देंगे जोड़, कितना सरल है भाई साहब। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, एकदम मक्खन चीज दिया है। ए बराबर दिया है पहला टर्म 6, डी इज इक्वल टू भी 6 होगा क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अब आपके पास एन भी दिया हुआ, एन कितना दिया है 40 टर्म, कितने 40 टर्म, बस आपको ऐसे निकाल देना है कि नहीं सरल सवाल, लोग परेशान हो, बस यही आपको समझना था, बस Sn बराबर होता है n बाई टू। अब ये वाला फार्मूला लगा लो सरल वाला, क्या a प्लस एल, डी बिना निकालो तो भी काम बन जाएगा, d नहीं लगाओगे तो भी, क्योंकि d इसमें लगेगा ही नहीं, तो आपके पास Sn का फार्मूला लगा दिए। एक n की वैल्यू कितनी है 40 बटे दो भैया, a की वैल्यू आपको पता है जी 6 है, l की वैल्यू लास्ट वाला 240 है कि नहीं, l वाला एस ए एन होता है या l होता है लास्ट टर्म, बस एस एन इज इक्वल टू 20 दुना 40, 20 बचा, गुणा कर दिया 26, 246, 240 में 6 जोड़ दिया 246। अब इसका गुणा कर लिए, 0 यहाँ पहले जोड़ दीजिए और 2 का गुणा कर लीजिए, 2 छक्का 12 हासिल 1, 2 चौको